माशाल्लाह से आज जुमा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश है और लोग निकल रहे हैं। हमने भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी किया कि हम लोग जल्दी से हरम पाक में पहुंच जाए ताकि जो है ना वहाँ पे हमें जगह मिल जाए। ये किस्मत की बात है कि हमें अभी वहाँ पे जगह मिलती भी है या नहीं मिलती है। सब्ज गुंबद के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर। काफी जल्दी करने के बाद फिर भी हम लोग जो है देर कर बैठे हैं और इस साइड पे हरम पाक में जगह बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इस साइड पे नहीं, सभी हाजी हजरात जो हैं वो इस साइड पे जा रहे हैं। أشهد أن محمد رسول. الحمد لله. گرمی کی شدت کافی زیادہ ہو چکی ہے और जुमा की नमाज़ जो है वो हमने अदा कर ली। अभी हरम पाक से नमाजी जो है वो बाहर निकलते हुए, बहुत ज़्यादा रश है तो जैसे ही कुछ रश कम होता है नमाजी जो है बाहर आते हैं, तो हम आप सबको जो है जाके करवाएंगे ज़ियारत। आज हमें मौका नहीं मिला हरम पाक के अंदर जाके नमाज अदा करने का, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर बाहर ही बैठ गए थे नमाज अदा करने की। तारिक साहब जो है वो आगे चले गए। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस। पहले हमारा था कि हमको हरम पाक के अंदर जाएं और आप सबको ज़्यारत करवाएं, लेकिन फिर रश भी ज़्यादा है और फिर हमने सोचा कि अम्मी जान जो है वो भी होटल पर हैं और फजर भी उनको कुछ खाने के लिए लेकर देते हैं क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो सुबह तो हल्का फुल्का ही खाते हैं तो दोपहर को भी खाना उनको लेकर देते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह असर मगरिब और इशा जो है वो हरम पाक के अंदर ही होगी, तो आप सबको भी फिर से ज़ियारत करवाएंगे। फ़िलहाल जैसे ही सब नमाजी आए थे नमाज के लिए, उसी तरह अभी सभी जो है वापस जा रहे हैं। तो नमाज़ जुम्मा से वापसी के बाद ख़वातीन और मर्द हज़रात फ़ौरन बैठ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वापसी में ना सभी अभी खड़े हो गए हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज जुमा के दिन है। मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं एक एक रियाल में, तो ख़वातीन से ज़्यादा जो है मर्द हजरात ही यहाँ पे स्टॉल पे हैं हर साइड पे। माशाल्लाह यहाँ पे जो है इतर वगैरह जो है बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तारिक साहब गायब हो गए थे, वो पीछे खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं, सर पे जी हमारा
होटल, लेकिन यहाँ से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ऊंचाई पे जाना पड़ता है, क्योंकि पहले हम लोग जो है खाने का बंदोबस्त कर ले, खाना ले लें और उसके बाद। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम पेश कर चुके हैं हजूर पाक की हाज़री में। अभी आप सब भी सलाम पेश कीजिए मेरी फैमिली, क्योंकि पहले मैं आप सबको रोज़ा की ज़्यारत नहीं करवा सकी, तो आज अभी असर के टाइम, असर की नमाज के बाद हम लोग फिर से हजूर पाक के हैं हाज़र हो चुके हैं, और आप सब भी हाज़री दीजिए और अपना नजराना पेश कीजिए, दरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सामने जाके हाजरी दे اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد। तो तीसरी छतरी जड़ी बांध लो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बारगाह रिसालत में हाजिर हो चुके हैं, सबके लिए दुआ भी की और अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं की। आज मैंने अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं की हैं, क्योंकि जब हम लोग खाना काबा यानी कि मक्का शरीफ में थे तो वहां पर मैंने अपने लिए इतनी ज़्यादा दुआएं नहीं की थी, और आज यहां पर बारगाह रिसालत में हम लोग हाजिर हुए तो यहां पर मैंने अपने लिए भी दुआएं की हैं और बाकी सब के लिए भी दुआएं की हैं। तो इंशाल्लाह जी आज हमारा जो है तकरीबन, दिल तो ऐसे करता है कि बंदा सारे दिन और रात जो है वो यहीं पर गुजारे, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा बीच में मसला बन जाता है कि बच्चे जो है ना उनको भी थोड़ा देखना पड़ता है, इसलिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम जो है नमाज हराम पाक के अंदर इधर ही अदा करें और उसके बाद फिर हम लोग होटल पे चले जाते हैं, बच्चों को देख लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। माशाल्लाह हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम लोग यहाँ पर बारगाह रिसालत में हाज़री अपनी देती रहें, बार बार यहाँ से जाने को देने को। अभी जी जैसे जैसे शाम हो रही है तो शाम के टाइम ये जो ऊपर छांव के लिए लगाया है,
ऐसे सारे भी ख्याल बंद होते हैं, क्योंकि अभी सूरज जो है वो ढलने वाला है और मगरिब होने वाली है, इसलिए फिर जो है ना इनको बंद कर देंगे, बिल्कुल जैसे ये वाला सामने वाला बंद हुआ था इसी तरह। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल सामने सब्ज़ गुंबद और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी हूँ। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका है और मग़रिब की नमाज़ की तैयारी जो है वो हो रही है, और माशाल्लाह यहाँ पे जो है दिन को तो दिन होता ही है, रात को भी दिन होता है। अभी मग़रिब की नमाज़ की तैयारियाँ हो रही हैं और तारिक साहब अभी यहाँ से चले जाएंगे उधर अंदर और हम लोग उस साइड पे नमाज़ पढ़ेंगे उधर, तो मैं भी चलती हूँ। अभी आपने फिर उसी गेट के पास क्यों जमात होनी है? इंशाल्लाह जी, तारिक साहब और मैंने एक डील की होती है कि मैंने उस गेट के पास खड़े हो जाने 15 नंबर गेट पे। अभी मैं भी चलती हूँ इस साइड पर, इस साइड पर जो ख़वातीन होती हैं अभी मग़रिब की नमाज़ अदा करते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे मेरी रहमतों के साथ, तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मग़रिब की नमाज़ के बाद अभी रात का टाइम हो चुका है, रात हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है सवेरा ही सवेरा है, हमेशा सवेरा ही रहता है। तो माशाल्लाह अभी हम लोग यहाँ पर सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल ही करीब खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर अपनी तमाम जो फैमिली है उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो दुआ करने से पहले हमारी जितनी फैमिली देखने वाले हैं या जिनके सामने हमारी ये वीडियो जा रही है उनकी तरफ से हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन सब की तरफ से सलाम पेश करते हैं, और ख़ुसूसन जितनी हमारी YouTube फैमिली देखने वाले हैं या कोई नहीं भी देखना, तो उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे जितने देखने वाले हैं उनकी जो मुश्किलात जो परेशानियाँ हैं वो दूर फरमाए, और जिन मेरी माओं बहनों की या भाइयों की जो नेक ख्वाहिशात हैं वो अल्लाह पाक पूरी फरमाए। तो जितनी हमें हमारे भाइयों ने हमारी बहनों ने माओं ने दुआओं के लिए कहा, तो आज हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद के सामने खड़े होकर हज़ूर पाक सल्लम का वसीला बना के अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन सब बहन भाइयों की ख्वाहिशात मुश्किलात जो हैं वो दूर फरमाए और उनकी जो नेक ख्वाहिश हैं वो पूरी फरमाए, और जिन माओ के बेटियों की शादियां नहीं हो रही या जिनके जो भी मसाइल हैं ना वो हम हज़ूर पाक सल्लम के वसीले से आज अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआ भी कबूल फरमाए और इन सब हमारे बहन भाइयों की जो मुश्किलात हैं वो दूर फरमाए। तो हमारी तरफ से जी अपनी सारी फैमिली की तरफ से हमने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद सलाम पेश कर दिया है, और इंशाल्लाह आज रात 1 बजे हमें टाइम मिला हुआ है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना वो मकाम है जो दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा है, वहाँ पे हम जब नवाफल अदा करेंगे तो इंशाल्लाह अपनी सारी YouTube फैमिली के लिए खसूसन दुआ करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं होटल पे क्योंकि बच्चों को खाना ले के दे के फिर हम इशा की नमाज यहाँ पढ़ेंगे और रात सारी इधर ही होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हर टाइम 24 घंटे दिन हो या रात हो
ऐसे बहारें लगी रहती हैं और माशाल्लाह अभी ठंडी ठंडी हवा भी चलना शुरू हो चुकी है। ठंडी हवा तो हर टाइम यहाँ पे चल रही होती है। हाँ जी, गर्मी यहाँ पे नहीं बसती, गर्मी नहीं महसूस होती, खुशबुएं ही खुशबुएं हर तरफ ना। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है निकलते हैं, बच्चों का भी थोड़ा बहुत पता करते रहते हैं साथ साथ में, और बस अल्लाह पाक जो है ना सबकी औलाद को फरमा बरदार बनाए, और मेरी हमेशा दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी औलाद को भी नेक और फरमा बरदार बनाए। रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर लें, सुभान अल्लाह, सलाम पेश करें और अपनी जो, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सबको अपने घर की और रोज़ा रसूल की ज़ियारत नसीब फरमाए। साहब जा रही है अपनी जगह पे, मैं अंदर चलता हूँ। मैंने कहा एक माँ जी हैं, उनका कॉल आ गई थी तो मैं वहाँ यहाँ पर उनको जो लाइव हमने ज़्यारत भी करवाई है, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए थे, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त जो है वो कैसे गुजर जाता है। तो ईशा की अजान का जो है टाइम हो रहा है, नमाज ईशा की पढ़ते हैं और इंशाल्लाह फिर जाएंगे, क्योंकि आज हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम लोग ज़्यारत करें जी रियाजुल जन्नत की। वैसे वो एक सिस्टम होता है, ऑनलाइन करवाना था ना, वो अप्लाई हमने किया हुआ, हमने अप्लाई किया हुआ है। अभी देखते हैं कि हमारी किस्मत में है भी या नहीं, तारिक साहब की तो हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि मर्द हजरात जो है तो उनको जाने देते हैं, लेकिन खवातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ सख्ती है। तो इंशाल्लाह आज ख्वाहिश है कि एक दफ़ा भी ईशा की नमाज पढ़ के जाएँगे बच्चों के पास, तो फिर वापसी हमारी जो है ना हम लोग वापस आ जाएँगे। आज सारी रात हम लोग करते हैं कोशिश कि अगर अल्लाह पाक की तरफ से हमारा लिखा हुआ है ना वहाँ पे जाना, तो इंशाल्लाह हमारी हाजिरी ज़रूर हो। चलें अभी राहें जुदा कर लें, ठीक चलें जी। तो हम अपनी फैमिली को साथ लिए मैं चलता हूँ जी मस्जिदुल नबी में, और अपने सब बहन भाइयों को मस्जिदुल नबी के अंदर से ज़ियारत भी करवाऊँगा, और हम वहाँ पर अपनी ईशा की नमाज भी अदा करेंगे। अब ईशा की अजान का टाइम हो गया, छोड़ने वाला Hallelujah।
अभी जी सभी बहन भाई मस्जिद अल नबी की अंदर से ज़ियारत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशा की नमाज़ जो है अदा कर ली है, और अभी जाएंगे जी आप जमजम पियेंगे, फिर उसके बाद अपने होटल की तरफ रवाना हो। सुभान अल्लाह, यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं अभी जमजम के, यहाँ से अभी जी चलते हैं इंशाल्लाह, बच्चों को खाना खिला के फिर वापस आएंगे। सुभान 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 तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इशा की नमाज़ अदा करने के बाद जा रहे थे बच्चों के पास होटल पे, तो दूध जो है वो ख़त्म हुआ था, इसलिए तारिक साहब जो हैं वो लेने गए हैं यहाँ से जी दूध। हम रोज़ एक लीटर दूध लेते हैं, यहाँ पर आपको ताज़ा ताज़ा फ्रूट मिल सकते हैं, मुझे तो नहीं लगते ताज़ा भी जो है ना, तारिक साहब यहाँ से ले रहे हैं जी दूध, तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं लेकिन डबल प्राइस पे। ये एक लीटर दूध ये कितने का है? 2000 का, हमारे पास 2000 का, और इधर इधर के कितने पैसे बनते हैं? चलो जाइए भाई 2000 ही सही है बस। इधर के गिनती कर ले कितने रियाल होंगे। यहाँ पर सारी चीजें आपको जो मिल सकती, ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पर सारी चीजें जो है वो आपको आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन पैसों के साथ, वो भी ज्यादा वाले पैसे। अभी तारिक साहब जो है वो दूध रहे हैं, दूध के पैसे 10 रियाल का एक लीटर। दूध और कुछ लेना है पीछे होने सुबह नाश्ते का? सुबह नाश्ते के लिए एक ये करीम रोल था नारे ने कल मैंने लिया था, लेकिन इसमें कोई करीम नहीं था। ये कितने का है? वो कह रहा है कि डेढ़ रियाल का, डेढ़ रियाल का एक है, डेढ़ रियाल का एक और दो पीस 3 रियाल के, यानी कि ये 300 के हो गए। चलो 80 रुपए अगर रेट लगाए तो फिर कितना बनता है, हिसाब लगा ले। 1.5 कह रहा था, डेढ़ रियाल। ये कितने का है? अब दिल कर रहे तो दे रहे, ये सारा दो पैकेट 3 रियाल, दो पैकेट 3 रियाल, ये 6 रियाल के, फिर दो ले लें, दो उधर से ले लें और दो ये वाले ले लें। चले जी ये हो गया हमारा नाश्ता, नाश्ते की तैयारी अभी करके जाते हैं क्योंकि हमें सुबह जल्दी जाना होता है, इसलिए फिर जो है वो लेट हो जाता है। यहाँ पे जब भी काउंटर पे सारी चीजें आ चुकी हैं, इनका बिल जो है वो लेते हैं तारिक साहब, और फिर हम लोग निकलेंगे होटल। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से जो है दूध और साथ में नाश्ते का सामान जो है वो ले लिया। अभी तारिक साहब के पीछे आ रहे हैं, मैं फिर चल रही हूँ, जो कुछ बाकी रह गया तो वो खुद ले लें। हमने पानी जो अभी भर लिया था, आबे जमजम तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो मैंने बस एक बोतल ही पानी की आबे जमजम की जो है वो भरी है अम्मी जान के लिए, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो मैंने कहा चले जितने दिन वो पियेंगी वो सेहत याब हो जाएंगी, एक बोतल वो हमने और बाकी का पानी जो है वो भी हमने उधर से भर लिया है पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना वो भी भाई साहब बड़ा महंगा है। तो मैंने कहा चले हम लोग पानी वहाँ से भी, अभी आप लोग कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस है, तो ऐसी बात नहीं है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जितना जो है वो बचत हो रही हो तो वो बंदा करे।
बाकी तारिक साहब कहाँ गए हैं, गायब हो गए कहीं अभी आते हैं। अभी जी तारिक साहब जो है वो नजर आ गए, काफी टाइम में इंतजार किया, आप कहाँ गायब हो गए थे। मैंने कहा दूध उठा के मेरे पीछे, ठीक हो गया जी, इतना ज्यादा वजन हो गया, पानी भी है मेरे पास। चलिए जी अभी तारिक साहब जो है वो रात का खाना जो है वो लेकर आते हैं और मैं चलती हूँ फिलहाल जी, नीचे बैठ जाऊँगी जाके, और जब ये आएंगे तो फिर हम लोग। हमारा होटल कहाँ गया, अल्लाह ये वाला है इस साइड पे जी, ये वाला हमारा होटल मेरे ख्याल में। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और रोने की आवाज़ आ रही, मोहम्मद सुबान के रोने की आवाज़ आ रही है। ओ मादी जान, फजर सो गया और मोहम्मद सुबान जो है वो